हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे बिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशतकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत कथाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हमने देखा अत्यंत ही अद्भुत रीति से सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ और महाराजा युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर रीति से जातक कर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान इत्यादि दिया, जिससे ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए और बहुत सारे आशीर्वाद दिए महाराजा परीक्षित को और उनका नाम रखा तस्मा नाम ना विश्वरात इति लोके बर। क्योंकि विष्णु के द्वारा सुरक्षित किया गया है, भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है, इसलिए उनका नाम विश्वरात कहा गया और उनके लिए बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी की न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान कि आपको इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़े महाभागवत बनेंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने इतना सुना तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाभागवत तो होगा परंतु कौन सा महाभागवत होगा, विरक्त महाभागवत होगा या गृहस्थ होगा, क्योंकि वो चाहते थे गृहस्थ हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी कि वो गृहस्थ बने और प्रजा का पालन करें, ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने बचपन माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जन्म लेते ही चले जाएं, विरक्त हो जाएं और फिर प्रजा का पालन या फिर राज्य सिंहासन को ना संभाले। तो
इसी बात को वो ब्राह्मणों से क्लियर कराना चाह रहे थे। इसे महाराजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, श्री राजोवाच अप्येषवंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित्यशसा साधुवादेन सत्तमा अप्येषवंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित्यशसा साधुवादेन सत्तमा अप्येषवंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित्यशसा साधुवादेन सत्तमा। श्री राजोवाच अर्थात महाराजा युधिष्ठिर ने जो सर्व मंगलकारी हैं इसलिए उनको श्री कहा गया है, उन्होंने कहा, वाच मतलब उन्होंने कहा, अप्येष वंश्यान् राजर्षीन्, अप्येषवन ये जो बच्चा है वो क्या परिवार में जो साधु राजा अब तक गुजर चुके हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, मतलब ये बच्चा अपने वंश के पूर्वजों के पुण्य श्लोकन महात्मन अनुवर्तिता सद्यश के वो जो पूर्वज हैं जो कि बहुत ही सुंदर रीति से जिन्होंने राज्य भी किया, ना केवल वो राजा थे बल्कि वो राजर्षि थे, तो क्या ये बच्चा उनके चरण चिन्हों का अनुयायी बनेगा, क्या उनकी तरह ये भी राज्य करेगा। साधुवादेन सत्तमा अर्थात महा महिमान्वित होने से वो पूछ रहे हैं, महात्मा उनसे पूछ रहे हैं जो ब्राह्मण लोग आए हैं उनसे, महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि ये जो बच्चा मेरा पैदा हुआ है क्या अपने पूर्वजों के चरण चिन्हों का अनुयायी बनेगा, जिस तरह उनके पूर्वजों ने बहुत ही सुंदर रीति से राज्य किया है, क्या ये भी उनकी तरह राज्य संभालेगा या राज्य से विरक्त होकर संन्यास लेकर चला जाएगा और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करेगा। अनुवाद, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे, वे सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। ऐसा नहीं कि राज सिंहासन पर बैठकर वो केवल भोग करते थे, वो बैठे हुए संत थे, राजा के रूप में ऋषि थे, फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी पुण्यात्मा सदाचारी संपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। तो फिर उनके सारे प्रजा को वो सारी फैसिलिटीज प्राप्त थी। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे, फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे। जिस प्रकार दूसरे राजा थे तो महाराजा युधिष्ठिर जिस प्रकार से कितने धर्मात्मा राजा थे, तो उनके कुल में सारे धर्मात्मा थे। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों सरीखा हो, कि जिस प्रकार दूसरे पूर्वज थे ऐसा ही हो। हे विद्वान ब्राह्मणों से वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषी गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं।
यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्य आत्मा उद्धार भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। अर्थात भगवत भक्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बाकी दूसरे दुष्ट लोग हों वो डरे नहीं, उससे सीधा साधा नहीं होना चाहिए। साक्षात मतलब उस राजा को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं सारे जो दुष्ट लोगों को किस तरह से सबक सिखाऊं, तो वो उनके लिए, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते उनके लिए साक्षात भय होना चाहिए, उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी अभी आजकल के राजाओं के विषय में बता रहे हैं कि आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों से या उससे भी अधम गुणों से प्राप्त हो चुके हैं और उन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जा रही है। यह प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होते हैं। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त रहता है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं, प्रायः दल तथा समूह स्वार्थ पड़ता है, स्वार्थ पड़ता के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के साधनों का दोहन करता रहता है। मतलब आजकल सब खाऊ है, कोई भी ये नहीं सोचता कि दूसरों का कल्याण होना चाहिए, प्रजा का कल्याण होना चाहिए और विश्व का कल्याण होना चाहिए, कुछ नहीं सोचता। बस केवल यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बोला मृत्यु पर्यंत, जब तक मरते नहीं ना तब तक खाली राज्य को खाते रहते हैं, राज्य के साधनों का विदोहन करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक संन्यास नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल बस सीट से चिपक कर रहना चाहते हैं, तो दूसरा आता है जब तक उसको ठोकर मारकर निकालता नहीं तब तक मरते दम तक वहीं पर बैठना चाहता है, उसको बस खाली अपनी तुष्टि की इच्छा होती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से ये सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा होता है। कोई उनको ज्ञान नहीं होता, शास्त्र को के विषय में पता नहीं होता है कि किस तरह से हमें शासन करना चाहिए, पूर्ववर्ती राजाओं ने किस प्रकार से शासन किया, बस खाली ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करो, यही। तो श्रील प्रभुपाद जी एक आदेश दे रहे हैं कि राजा बनने से पहले उन्हें भागवतम में देखना चाहिए कि किस तरह से एक सही राजा जो है श्रीमद् भागवतम से ही सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा होता है। अब जब ब्राह्मणों से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि मेरा ये जो शिशु अभी उत्पन्न हुआ है वो क्या अपने पूर्वजनों के या पूर्वज के राजा हैं उनका अनुयायी होगा, तो ब्राह्मणों ने फौरन से युधिष्ठिर महाराज के अभिप्राय को समझ लिया और अब ब्राह्मण उत्तर दे रहे हैं। श्री ब्राह्मणा उचहु पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य सौन्द्यश्च रामोदर दाशरथि यथा पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य सौन्द्यश्च रामो दाशरथि यथा पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य सौन्द्यश्च रामो दाशरथि यथा। ब्राह्मण अब महाराज युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं पार्थ, पार्थ हे पार्थ, यानी के
आप प्रथा के पुत्र हो, इसे आप उनको पार्थ कहा जाता है। तो ये चारों को पार्थ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी भगवद्गीता में पार्थ कहते हैं क्योंकि वो प्रथा के पुत्र हैं, और युधिष्ठिर महाराज भी। पार्थ प्रजावेता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव, कि ये प्रजा का पालन साक्षात इक्ष्वाकु की तरह करेंगे। कौन सी इक्ष्वाकु? इक्ष्वाकुरिव मानव, जो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हैं, उनकी तरह ये प्रजा का पालन करेंगे। ब्रह्मण्य सत्य सौंदर्य, और ब्रह्मण्य यानी और ब्राह्मणों का पालन करेंगे, और सत्य सौंदर्य यानी कि अपने वचन के एकदम पक्के होंगे प्राण जाए पर। और किस तरह? रामो दाशरथे यथा, जिस प्रकार से दशरथ पुत्र राम जो है वो ब्राह्मणों, राम जो है वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे और अपने वचन के बिल्कुल पक्के थे, तो ये आपका पुत्र मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा। और इस वक्त जो हमारे मनु हैं उनके पुत्र हैं इक्ष्वाकु, और श्री राम जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं उनकी तरह से वचन का पालन करने वाले और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले होंगे। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि ये इनकी तरह गृहस्थ बनेंगे, इन्हीं की तरह उनका आदर्श होगा। तो यहाँ पर बताया इन्होंने कि इस तरह से होंगे। अनुवाद देखिए, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथा पुत्र, यह बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और जहाँ तक ब्रह्म सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में यह महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत ही सुंदर रीति से इन सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रजा का अर्थ है भौतिक जगत में जन्म लेने वाले जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फल स्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। वैसे तो इस जीव का भौतिक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इच्छा करता है प्रभुत्व जताने की, तो फिर जैसी जैसी इच्छा होती है वैसा वैसा उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। ऐसा होने से वह जीव प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग योनियां उसको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। करुणा है भगवान की कि न केवल वो उस जीव का पालन करते हैं परंतु साथ साथ में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा राजर्षियों के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं। ये राजर्षि समस्त प्रजा या जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर वो ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जीवों के लिए ताकि वो इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। वास्तव में यदि राजा सही हो जाए ना, शास्त्रों के अनुसार कार्य करे ना, तो फिर प्रजा का कल्याण होना बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन आजकल तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराजा परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत ही बाधित करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु शासकों द्वारा पशुओं तक को
संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, सिर्फ एक बार उसने देखा कली जो है वो एक बेचारी गाय को मार रहा था, तो फिर उसने फौरन से उसका प्रतिकार किया, उसको दंडित किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि गली गली में गौ हत्या होती है, लेकिन राजा को कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि पहले वाले राजा जो है वो केवल मनुष्यों की रक्षा नहीं करते थे, परंतु पशुओं को भी संरक्षण प्रदान करते थे, जो केवल भावनात्मक नहीं था अपितु इसलिए था जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। भगवान ने जिसको पैदा किया है, तुम्हें क्या अधिकार होता है किसी और जीव की हत्या करने का। तो सारे साधु राजा, सूर्य के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। जितने भी राजा हैं उन्होंने, चाहे वो पृथ्वी के राज्य हो या सूर्य के राजा हो, उन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार ही अपना जीवन गुजारा है। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्च लोगों में भी दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.1 में कहा गया, इमं विवस्वते राजन् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् इक्ष्वाकुवेभु विवस्वान् मनवे प्राहु मनोरिक्षवा कवि ब्रवी। तो भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है, ऐसी शिक्षाएं परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिन मनु का उल्लेख हुआ है वह सातवें मनु है जो प्रजापतियों में से एक हैं और वे सूर्यदेव के पुत्र हैं। अभी जिस मनु की बात यहाँ पर भगवान ने कही है, इमं विवस्वते प्राहु प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान ने मनु को दिया। तो ये मनु कौन से हैं? सातवें मनु हैं, जो अभी हमारे मनु चल रहे हैं ना, उनकी बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह सातवें मनु हैं जो प्रजापतियों में से एक हैं, वे सूर्य देव के पुत्र हैं, वे वैवस्वत मनु कहलाते, क्योंकि वो विवस्वान, सूर्य देव का नाम विवस्वान है और विवस्वान के पुत्र हैं, इसलिए वैवस्वत कहा है उनका नाम। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। किन के 10 पुत्र थे? वैवस्वत के। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न हो गई। अतः कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ ये है कि वह मनुष्यों द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया है और सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उसे सुना। वे इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमारी शास्त्रों की, वैदिक साहित्य की जो परंपरा है उसके विषय में बता रहे हैं कि कोई मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ये साक्षात भगवान के द्वारा है। अब इस श्लोक में जिन जिन व्यक्तियों के विषय में, विशेष व्यक्तियों के विषय में जो बताया गया है, ब्राह्मणों ने कहा है, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कहा पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव। इक्ष्वाकु कौन थे? महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्र में से एक थे। मनु के 100 पुत्र थे जिन्होंने मांसाहार का निषेध किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शिष्याद्राज हुआ। तो यहाँ पर ये इक्ष्वाकु कौन थे? महाराजा मनु के, वैवस्वत मनु के पुत्र थे। अब आगे है मनु कौन थे, तो मनु के विषय में श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे सातवें मनु वैवस्वत मनु अर्थात विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव मनु के वंशज हैं। इन
वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, निरिष्यंत, नाभाग, दृष्टि, करुष, प्रिशार्ध तथा वसुमान। भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था, यानी अभी जो देखो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, अभी 7वां मनु जो चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनु। तो ये जब स्टार्ट हुआ था उस समय मत्स्य अवतार हुआ था, और जो वैवस्वत है वो विवस्वान जी के पुत्र थे, विवस्वान यानी सूर्यदेव। फिर उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव यानी विवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। पहले उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से भगवद गीता की शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाए। फिर त्रेता युग के आदि में सूर्य ने मनु को भक्ति का पाठ पढ़ाया। फिर त्रेता युग, पहले तो बहुत समय पहले जब सूर्य देवता ने, जब भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, जब ये मनवंत्र स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ होगा तो फिर तभी सत्ययुग होगा। फिर त्रेता युग के आदि में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज करने का कल्याण करने हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। फिर पहले ज्ञान, फिर भक्ति, इस तरह से सारे परंपरा को मिल रही थी। राजऋषि इससे सीखते थे, राजऋषियों की परंपरा इस तरह चलती थी। होते तो राजा थे लेकिन फिर भी इस तरह से राज्य करते थे कि संपूर्ण मानव समाज में भक्ति, भगवान की भक्ति को ही प्रदान करने के लिए कार्य करते थे। अब श्री प्रभुपाद जी हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में बहुत ही सुंदर रीति से संक्षिप्त में बताएंगे। भगवान रामा, भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार किया। भगवान राम अपने पूर्ण अंश के समेत अवतरित हुए और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतीर्ण हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीची का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जन कल्याण में सहयोग पहुंचाने के लिए होते हैं। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्राह्मणीय धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेषतया गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, अतएव वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों की को जीतने के लिए प्रभावशाली हथियार प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए और शिवजी के अजेय धनुष को तोड़कर महाराजा जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया था। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराजा दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायक बनने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव में से मैत्री स्थापित की और इसके भाई वाली को मारने में सहायता की।
भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरण करता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका का सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बिठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने के बाद लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करें। उसने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और बाद में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजा जो इनके कुल में हो चुके हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु कुल में ही महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था। तो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ये पूछ रहे थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने धर्मात्मा हैं, उन्होंने कितना धर्म के साथ राज्य किया, तो क्या ये ऐसे ही होंगे? तो ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ, ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकु रिव मानव, ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करे और ब्राह्मणों का रक्षा करेगा। किसके समान? ब्राह्मण्य सत्य सौंदर्य रामो दाशरथी यथा, कि जिस प्रकार दशरथ महाराज के पुत्र राम ने अपने वचन के पक्के थे और ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, उसी प्रकार ये भी होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गुण बताएंगे धीरे धीरे, श्रील प्रभुपाद जी उनको विस्तार से बताते जाएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।